स्टार्ट करते हैं 12 केमिस्ट्री का एक और नया लेक्चर। 12 केमिस्ट्री में चल रहा है चैप्टर रासायनिक वलगतिकी, और इसमें हम आज के लेक्चर में छोटे लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने प्रथम और शून्य कोटीय अभिक्रिया के वेग व्यंजक और अर्धायु काल के व्यंजक को ज्ञात किया था, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसमें प्रथम कोटीय अभिक्रिया का ग्राफ या निरूपण। भिन्न भिन्न प्रकार से हम प्रथम कोटि के लिए ग्राफ खींचेंगे। तो बात करते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया की ग्राफीय निरूपण की। आप सामने देखें बोर्ड पर प्रथम कोटि अभिक्रिया की ग्राफीय निरूपण में मैंने यहाँ पर दो ग्राफ बनाए हुए हैं। एक पहली स्थिति है जब हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ग्राफ खींचा है अभिक्रिया की दर और अभिकारक की सांद्रता के मध्य। तो अभिक्रिया की दर को मैंने वाई एक्स पर और अभिक्रिया की सांद्रता को दिखाया है एक्स एक्स पर, अभिकारक की मात्रा। तो अभिकारक की सांद्रता को ए और अभिक्रिया की दर वाई एक्स पर। तो जब हम जैसे जैसे देखिए, और ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग समीकरण है, आर इक्वल टू के इंटू ए, माने अभिकारक की सांद्रता की एकल घात पर अभिक्रिया का दर निर्भर कर रहा है, तभी तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग समीकरण ये होता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में या उससे पिछले वीडियो में इनकी परिभाषा और ये सब चीजें पढ़ी है। अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया की सांद्रता के मध्य एक सरल रेखा हमको मिल रही है, एक सरल रेखा जैसा ग्राफ आ रहा है कि जैसे जैसे इसमें वेरिएशन आता है उसी हिसाब से अभिक्रिया की दर में भी वेरिएशन आता है। जो हमें रेखा एक सरल रेखा प्राप्त होती है, इसकी ढाल निकालने की बात करें तो आपको पता होगा कि जो सरल रेखा का समीकरण होता है वो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इस वेग समीकरण की तुलना हम इस रेखा की ढाल, मतलब इस जो एक सरल रेखा का समीकरण होता है, इससे कर देते हैं। तो समीकरण एक व दो की तुलना से अगर इनकी कंपेयरिंग करें तो आप देखेंगे जो अभिक्रिया की दर है वो वाई एक्स पर है, तो इसलिए मैंने ये वाई लिखा है, और जो अभिकारक की सांद्रता है वो एक्स एक्स पर दिखाई गई है, तो ये एक्स एक्स हो गई। तो ये एम की जो के की वैल्यू होगी वो एम के इक्वल माने, या कह दें कि एम की जो वैल्यू होगी वो के इक्वल होगी, माने जो ढाल होगी वो के होगी। तो एक तो देखो सीधे सीधे मैंने ढाल इक्वल टू के लिखा हुआ है, लेकिन ये फिर बीच में क्या लिखा है? आपको पता है कि इस सरल रेखा की जो ढाल होती है गणित के अकॉर्डिंग, मैथ के अकॉर्डिंग, वो टेन थीटा होती है। अगर ये एंगल थीटा है, इसमें हम टेन थीटा लगाएं क्योंकि m इक्वल टू टेन थीटा होता है। इस समीकरण के अनुसार जो ढाल होती थी वो क्या होती थी? m इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा कैलकुलेट करें तो टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो bc अपॉन ac, और ढाल हमारी क्या है? तो ये पूरा एक फॉर्मूला हमें मिल जाता है कि ढाल टेन थीटा को कहते हैं, माने ढाल m को कहते हैं, टेन थीटा होता है जो कि चित्र से त्रिभुज से लंब बटे आधार, और लंब है bc और आधार है ac, जो कि यहाँ से कंपेयरिंग करके एन के मान कितना है? के आ रहा है, तो इसलिए ढाल को हमने क्या लिख रखा है? के। तो इस बात करें प्रथम कोटि अभिक्रिया के दूसरे ग्राफ की, तो दूसरी कंडीशन में ग्राफ ड्रॉ किया गया है। ये है अभिकारक की सांद्रता और समय के मध्य। ये मुझे ध्यान आ रहा है कि मैंने सबसे पहले वाले लेक्चर में अभिक्रिया की दर और समय के बीच बताया था, तो ये सब देखो वैसा ही है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे कम होती जाएगी, और ये देखिए एक बार लास्ट में आके कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि सारे अभिकारी पदार्थ तो अभिक्रिया में भाग लेंगे नहीं, मतलब सारी मात्रा। तो घटना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे समय बढ़ रहा है, अभिकारक के सांद्रता धीरे धीरे घटती जा रही है, घटती जा रही है, और फिर यहाँ आके कांस्टेंट हो गई है। तो यहाँ पर हमने ये दूसरी स्थिति प्रथम कोटि अभिक्रिया का ग्राफ अनुरूपण है। देखिए इस प्रकार के जो ये ग्राफ मैंने खींचे हैं, इसलिए खींचे हैं क्योंकि कई बार हमें ग्राफ या न्यूमेरिकल मिल सकते हैं, ग्राफ के आधार पर आंकिक प्रश्न सोल्व करने को आ सकते हैं। तो दो स्थिति ये है, एक स्थिति में और करते हैं जो कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का लोग के रूप में जो वेग व्यंजक है, जो हमने पिछले लेक्चर में उसको प्रूफ किया था, उसका भी ग्राफीय निरूपण हम करते हैं। तो देखते हैं तीसरी स्थिति प्रथम कोटि अभिक्रिया के ग्राफीय निरूपण की। ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ है प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग व्यंजक लोग के रूप में, ये था 2.303 अपॉन टी log 10 बेस a नोड अपॉन a। तो यहां से मैं देखो इसको, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इसको आपको बताता हूं कि ग्राफ कैसे ड्रॉ हुआ है। x एक्सिस पर हमने लिया है समय को, और y एक्सिस पर हमने लिया है जो शेष मात्रा है अभिकारक की सांद्रता की, जो शेष मात्रा है log 10 बेस a को। तो हम अपने समीकरण को इस हिसाब से बनाएंगे जिससे कि x एक्सिस पर समय आए और y एक्सिस पर अभिकारक की शेष सांद्रता आए। तो आप देखेंगे ये इधर kt, और ये अपॉन में हो जाएगा 2.303।
लॉग टेन बेस, इसको आप अलग अलग करके लॉग की प्रॉपर्टी से अलग अलग ले सकते हैं, लॉग टेन बेस ए नोड माइनस लॉग टेन बेस ए। तो हमें लॉग टेन बेस ए की वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर माइनस में, तो फाइनली ये हुआ के टी अपॉन 2.303 माइनस लॉग टेन बेस ए नोड इक्वल टू माइनस लॉग टेन बेस ए। इस माइनस से ये माइनस और ये प्लस, तो फाइनली लॉग टेन बेस ए की वैल्यू होगी माइनस के टी अपॉन 2.303 और प्लस लॉग टेन बेस ए नोड। तो आप देखिए वाई एक्स पर ये और एक्स एक्स पर टाइम है। इस समीकरण की तुलना हम जो हमारी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि देखिए स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है, अगर हम समय और अभिकारक की शेष समता के मध्य ग्राफ खींचें तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा अभिकारक की जो शेष समता है उनके मध्य हमें एक सरल रेखा के रूप में ये ग्राफ प्राप्त होता है। इस ग्राफ में हमने कोई दो पोजीशन मानी है ए और बी पर, उन ए और बी की पोजीशन के अनुसार हम ढाल ज्ञात करें, तो ढाल क्या होनी चाहिए, फिर से वही ढाल को हम एम बोलते हैं, तो एम का फॉर्मूला क्या होता है टेन थीटा। अगर हम इसमें टेन थीटा लगाएं तो क्या आएगा, लंब बटे आधार ए सी अपॉन बी सी। लेकिन ये कैसे आया, तो यहां इसकी हम तुलना कर देते हैं, इस समीकरण की तुलना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से करने। यदि हम इस समीकरण से तुलना करेंगे जो हमारी सरल रेखा की समीकरण होती है, तो y की वैल्यू लॉग टेन बेस है, x पर कौन है, x पर कौन दिखाया है समय को, तो ये x की वैल्यू है t, तो जो t का गुणांक होगा पूरा माइनस k अपॉन 2.303 वो m की वैल्यू होगी। तो यहां से तुलना करके m की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस k अपॉन 2.303, इसलिए मैंने वहां पर ढाल tan थीटा के रूप में तो ये आ रही थी, तो m tan थीटा ही होता है, तो m की वैल्यू तुलना करके कितना आ रही है माइनस k अपॉन 2.303, तो ये माइनस k अपॉन 2.303 इस प्रकार से ढाल आ रहा है। और इस बार यहां अंतःखंड भी कट रहा है जो कि c की जो वैल्यू है ये log tan बेस a नोड होगी, तो मैं आगे लिख देता हूं c इक्वल टू हो गया log tan बेस a नोड, इंटरसेप्ट जिसे बोलते हैं माने अंतःखंड। तो आप ये समझिए पिछले में अंतःखंड क्या था, जीरो कट हो रहा था, तो यहां पर अंतःखंड भी आपको मिला है, तो हमें यहां ढाल से मतलब ज्यादा है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा जिसमें आपको इस प्रकार से एक समीकरण दिया होगा और उसमें वो पूछेंगे कि इसकी ढाल बताइए, तो तुलना हम उस समय कर सकते हैं, या ढाल के रूप में हमें माइनस के अपॉन 2.303 पता भी है और या दिया भी होगा, तब हमसे वो इस बेग स्थान की वैल्यू पूछेंगे, तो तुलना करके हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जब मैं आपको आंकड़े प्रश्न कराऊंगा तो बताऊंगा। ये टॉपिक की बात करते हैं और ये टॉपिक है ताप गुणांक। देखिए आपने इस चैप्टर में पहले ये सुना कि यदि हम किसी अभिक्रिया के लिए ताप को बढ़ाएं तो अभिक्रिया की दर बढ़ने लगती है, अर्थात ताप का जो प्रभाव था अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों में, तो हमने उसमें पढ़ा था कि जैसे अभिक्रिया का ताप बढ़ता जाएगा अभिक्रिया की दर बढ़ती जाएगी, और देखने में ये आता है प्रायोगिक रूप से कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग लगभग दोगुना हो जाता है, और कुछ अभिक्रिया तो ऐसी है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया की दर तिगुनी तक हो जाती है, 3 times हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ताप गुणांक है वो अभिक्रिया की दर का ताप के साथ किस प्रकार से संख्यात्मक रूप से परिवर्तन होता है उसको बताने के लिए ताप गुणांक होता है। अर्थात जैसे हम जनरली कह दे रहे हैं कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है, लेकिन उसको संख्यात्मक रूप से हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे, संख्यात्मक रूप से कैसे प्रदर्शित कर पाएंगे, इस बात को बताने के लिए जो भौतिक राशि यूज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ताप गुणांक। इसे इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो देखिए क्या होता है ताप गुणांक, ताप गुणांक सामान्यतः एक अनुपात को व्यक्त करता है, किसके अनुपात को, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के। मान लीजिए कोई अभिक्रिया ए अणु उत्पाद हो रही है, ये अभिक्रिया ऐसा मान लेते हैं कि टी टेम्परेचर पर हो रही थी, तो टी टेम्परेचर पर इसका कोई वेग स्थिरांक आया होगा, इसके बाद आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इस अभिक्रिया का बढ़ा दिया, अभिक्रिया वही है, माने इस अभिक्रिया जो ये हो रही थी वही रही, लेकिन हमने इस अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, तब इसका वेग स्थिरांक भी बढ़ जाएगा, माने वेग स्थिरांक बदल जाएगा। तो मान लीजिए कि जो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अब बदल गया है, मींस के टी प्लस 10, ये टी डिग्री स्टार्टिंग वाला टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है ये रहा,
तो टी डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर हो रहा था तब अभी गिर जाएगा वेग स्थिरांक, और जब आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया तब वेग स्थिरांक, अर्थात बढ़े हुए वेग स्थिरांक और जो पहले वेग स्थिरांक था उसके अनुपात को बोलते हैं ताप गुणांक। तो ताप गुणांक को अगर हम सामान्यतः कहें तो ये एक अनुपात को व्यक्त करता है, और किसके अनुपात को, वेग स्थिरांक के अनुपात को व्यक्त करता है, अर्थात आपकी कोई अभिक्रिया टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हो रही है, आप उसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और बढ़ा देते हैं तो तब 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक तथा टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो वेग स्थिरांक था उसके अनुपात को बोलते हैं ताप गुणांक। ताप गुणांक अभिक्रिया के तापमान बढ़ाने पर, अभिक्रिया की दर बढ़ने पर क्या संख्यात्मक मात्रात्मक परिवर्तन होता है, इस बात को प्रदर्शित करने की एक भौतिक राशि है। तो कई बार ये एक या दो नंबर में आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आ जाता है, तो ये आपको आना आवश्यक। देखिए ताप गुणांक को पढ़ने के बाद ऐसे ही और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, और ये भी बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए कई बार आया है। आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखेंगे तब उसमें आपको ये जो थ्योरी मैं अगली बताने वाला हूँ ये बड़ा बार आया है। तो ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करते हैं, और इस टॉपिक का नाम है संघट सिद्धांत। इसको आप बोलते हैं कोलाइजन थ्योरी, कोलाइजन थ्योरी भी है। देखिए ये एक सिद्धांत है जो ये बताता है अभिक्रिया से उत्पाद, अभिक्रिया में अभिकारकों से उत्पाद का बनना अभिकारी अणुओं की टक्करों की वजह से होता है। इसका मतलब ये है कि किसी अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक होते हैं वो आपस में टक्करें करते हैं, लगातार उनके बीच टक्करें होती रहती हैं और उत्पाद का निर्माण होता रहता है। तो ये सिद्धांत इसी बात पर बेस्ड है। लेकिन इस सिद्धांत में देखिए मुख्य जो तीन बातें हैं, अभिक्रिया में अभिकारकों की टक्करों से उत्पाद का बनना, इस सिद्धांत को हम तीन मुख्य बिंदुओं से समझने का प्रयास करते हैं। इस सिद्धांत का पहला पॉइंट यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारी अणुओं की टक्करों के बाद ही उत्पाद का निर्माण होता है। बात करें अगर दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिद्धांत का। दूसरे पॉइंट में सिद्धांत कहता है अभिकारी अणु जो टकरा रहे हैं, जो उनकी टक्करें हो रही हैं, तो सारी टक्करों के बाद उत्पाद नहीं बनता, कुछ ही टक्करों की वजह से उत्पाद का निर्माण होता है। अर्थात जब अभिकारी अणु टकराएंगे और उत्पाद बने तो ऐसी टक्करों को प्रभावी टक्करें या प्रभावी संघट कहते हैं, इफेक्टिव कोलाइजन कहते हैं, तथा जिन टक्करों की वजह से टक्करें तो हो रही हैं लेकिन उत्पाद का निर्माण नहीं होता उन्हें हम अप्रभावी टक्करें या अप्रभावी संघट या इन नॉन इफेक्टिव कोलाइजन बोलते हैं। तो दूसरे पॉइंट में इस थ्योरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पता चलता है, अर्थात सारी टक्करों से उत्पाद नहीं बन जाता, कुछ ही टक्करों के बाद उत्पाद बनता है। तो जिन टक्करों की वजह से उत्पाद का निर्माण होता है उनको हम प्रभावी टक्करें, और टक्कर हो रही हो लेकिन उत्पाद ना बने अभिकारी अणुओं की वजह से, उन टक्करों की वजह से, अभिकारी अणुओं के टक्करों की वजह से, तो उसको हम कहते हैं ये अप्रभावी टक्करें या अप्रभावी संघट है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप पूरी अपनी स्टडी को कर रहे हैं, ठीक से पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वो समझ लीजिए प्रभावी पढ़ाई नहीं कर रहे आप। और अगर मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल स्मार्ट तरीके से और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको ठीक से समझ पा रहे हैं और ठीक से अपने एग्जाम पेपर पर कर पा रहे हैं और रिजल्ट भी आपका ठीक आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप प्रभावी पढ़ाई कर रहे हैं, इफेक्टिव स्टडी है वो आपकी। तो इसी प्रकार से किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारी अणुओं की टक्करों की वजह से, जिनकी वजह से उत्पाद बन रहा है उन्हें प्रभावी टक्करें, और जिनकी वजह से उत्पाद का निर्माण नहीं हो रहा है उन्हें अप्रभावी टक्करें या अप्रभावी संघट करें। तो देखिए दूसरा पॉइंट यही है कि अभिकारी अणुओं की जिन टक्करों से उत्पाद का निर्माण होता है उन्हें प्रभावी टक्करें या प्रभावी संघट कहते हैं, तथा अभिकारी अणुओं की जिन टक्करों से उत्पाद का निर्माण नहीं होता, टक्करें हो लेकिन उत्पाद का निर्माण नहीं होता, उन्हें अप्रभावी टक्करें या अप्रभावी संघट कहते हैं। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है दूसरा इस थ्योरी का। तीसरे पॉइंट की बात करें, तीसरे पॉइंट में इस पॉइंट का क्लैरिफिकेशन है, माने इसकी व्याख्या होती है। तीसरा पॉइंट ये है कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि टक्करें हो रही हैं फिर भी उत्पाद नहीं बन रहा, वो अप्रभावी टक्करें क्यों हो रही हैं, कि उनकी वजह से उत्पाद नहीं बन पा रहा है। तो होता क्या है, प्रभावी टक्करें होने के लिए उनको इतनी ऊर्जा चाहिए कि उत्पाद बन जाए, तो वो जो न्यूनतम ऊर्जा प्रभावी टक्करों को कराने के लिए चाहिए होती है अभिकारी अणुओं को, यदि प्रभावी रूप से टकराना है, उत्पाद का निर्माण कराना है, तो उनको इतनी ऊर्जा चाहिए होती है। उस ऊर्जा को हम, उस न्यूनतम ऊर्जा को जो प्रभावी टक्करों के लिए आवश्यक होती है, उसको बोलते हैं देहली ऊर्जा। ये शब्द आपने कक्षा 11 की केमिस्ट्री में प्रकाश वैद्युत प्रभाव एक घटना पढ़ी होगी, वहां आता है देहली आवृत्ति। तो वहां भी यही बात आती है कि वहां होता क्या था
कि जब कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरे और उनके इलेक्ट्रॉनों को उसमें से निकाल दे, तब इस घटना को हम बोलते थे प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो हम उसमें कहते थे कि वो जो गिरने वाला प्रकाश है उसकी आवृत्ति कम से कम इतनी होनी चाहिए जो देहली आवृत्ति के बराबर या देहली आवृत्ति से अधिक हो। तो यहाँ भी वही बात है कि देखिए होता क्या है, जब अभिकारी अणु टकराते हैं और उत्पाद बन जाए तो ठीक ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए अभिकारी अणु टकराएं और उत्पाद ना बने, तो इसका मतलब ये है कि उन अभिकारी अणुओं के पास उतनी ऊर्जा नहीं है जिससे कि वो टकराने के बाद उत्पाद का निर्माण कर सके। तो वो जो हम ये कह रहे हैं कि उतनी ऊर्जा नहीं है, तो उतनी ऊर्जा का मतलब है कि देहली ऊर्जा उनके पास नहीं है। इसको आप एक एग्जांपल से ऐसे समझिए, मान लीजिए अभिकारी अणु टकराएं और ऊर्जा जो है वो 20 जूल है उनके पास टकराने के लिए, लेकिन उनको टकराने के लिए प्रभावी रूप से कि मतलब उत्पाद बन जाए उनको चाहिए 22 जूल। तो वो जो 2 जूल कम चल रही है, उस 2 जूल कम होने की वजह से प्रभावी टकरे नहीं हो पा रही है, अर्थात उत्पाद का निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो वो जो 22 जूल है कि 22 जूल पर यदि वो अभिकारी अणु टकराते और उत्पाद बन जाता, तो फिर वो 22 जूल उन अभिकारी अणुओं के लिए क्या कहलाएगी, देहली ऊर्जा। तो हम इस तीसरे पॉइंट में ये समझ रहे हैं सिद्धांत के कि अभिकारी अणुओं को प्रभावी रूप से टकराने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा आवश्यक होती है उसको देहली ऊर्जा बोलते हैं। तो हर अभिकारी अणु यदि प्रभावी टकरे करना चाहता है तो उसकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए। तो देखिए तीसरे पॉइंट में, अभिकारी अणु तभी प्रभावी टकरे कर पाते हैं जब उनके पास देहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा होती है। तो अगर देहली ऊर्जा की परिभाषा भी आ जाती है तो समझ गए होंगे, तो देहली ऊर्जा की परिभाषा क्या हो जाएगी, इंग्लिश में उसको थ्रीफोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो देहली ऊर्जा की परिभाषा क्या होगी, अभिकारी अणुओं के लिए वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा वो फिक्स होगी, यानी कि उस अभिकारों के लिए बदलती जाएगी, उन पर्टिकुलर अभिकारक के लिए वही होगी फिर वो फिक्स। तो अभिकारी अणुओं के लिए वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जो उनको प्रभावी संघट या प्रभावी टक्कर कराने के बाद उत्पाद बनाने के लिए सक्षम होती है, आवश्यक होती है, उसको बोलते हैं देहली ऊर्जा। तो ये किन्हीं अभिकारी अणुओं के लिए निश्चित न्यूनतम और फिक्स होती है माने। तो हम ये पहले से पता लगा लेंगे कि भाई अभिकारी अणुओं में प्रभावी टक्करें यदि नहीं हो रही है तो इसका मतलब इनके पास क्या है, देहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा नहीं है। तो फिर उनको बाह्य कारकों की मदद से देहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा दी जाती है, और उस ऊर्जा को कहते हैं सेकंड ऊर्जा, जो कि मैं भी आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगा। देखिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कि प्रभावी संघट या टक्करें होने के लिए क्या दशाएं हो सकती हैं, क्या कंडीशन हो सकती है। तो सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि देहली ऊर्जा एक सबसे बड़ी कंडीशन, ये मैंने आपको बहुत अभी इस सिद्धांत में बताया डिटेल में कि देहली ऊर्जा क्या होती है, किसी भी किन्हीं भी अभिकारी अणुओं के पास वह न्यूनतम निश्चित ऊर्जा जो प्रभावी टक्करें करा पाए अर्थात उत्पाद का निर्माण कर पाए, उस निश्चित न्यूनतम ऊर्जा को हम बोलते हैं देहली ऊर्जा। यदि अभिकारी अणुओं के पास देहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा नहीं है वो प्रभावी टक्करें नहीं कर पाते। मान लीजिए किन्हीं अभिकारी अणु, कोई मान लीजिए अभिक्रिया A2+B2 → 2AB ऐसे करके कोई उत्पाद बन रहा है, ऐसा मान लिया। तो A2B2 अभिकारी अणु अगर आपस में टकराएंगे स्वतः ही बात है। मान लीजिए इनको टकराने के लिए जो देहली ऊर्जा का मान होना चाहिए, इनके लिए जो देहली ऊर्जा होनी चाहिए ऐसा मान लेते हैं, उसका मान 22 जूल होना चाहिए। लेकिन इनके पास जो ऊर्जा है वो ऊर्जा है, प्रारंभिक ऊर्जा करके लिख देता हूं, वो है मान लीजिए 20 जूल। तो ये टकराएंगे तो आपस में, लेकिन प्रभावी टकरे नहीं होंगे अर्थात उत्पाद नहीं बन पा रहा होगा। तो फिर क्या होगा, इनको बाह्य रूप से ऊर्जा दी जाएगी, जैसे ताप बढ़ाया जाएगा, तो उससे क्या होगा इनके पास अब 2 जूल ऊर्जा और बढ़ जाती है, तो अब इनकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी 22 जूल। या और ऊर्जा दी जाए माना 23 दी जाए तो 3 जूल दिया तो 23 जूल, अब ये देहली ऊर्जा के बराबर या इससे अधिक ऊर्जा पर आ जाएंगे। तो अब जब ये टकराएंगे तो उत्पाद बनेगा इन टक्करों के बाद, इसलिए इनको क्या बोलने लग जाएंगे हम, प्रभावी टक्करें। तो इसलिए प्रभावी टक्करें होने के लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, देहली ऊर्जा के बराबर अभिकारी अणुओं के पास ऊर्जा होनी ही चाहिए, या उससे अधिक हो तो और ज्यादा प्रभावी टक्करें होंगी। दूसरे कारक की अगर बात करें तो ये दूसरा कारक है अभिकारी अणुओं की आकृति। आकृति से क्या मतलब है थोड़ा सा भी जब समझेंगे तब आपको ठीक से मैं इसे बता पाऊंगा। देखिए यही अभिक्रिया को मैं मान लेता हूं कि A2+B2 मींस ये अभिकारी अणु आपस में टकराने के बाद उत्पाद बना रहे हैं। तो आप देखिए क्या क्या डिफरेंट तरीके से ये अपनी आकृतियों के हिसाब से टकराते हैं। मान लीजिए A2 को मैं ऐसे लिख देता हूं, A A
कि भाई ए टू है तो उसमें ए टू कोई मोलिक्यूल है, तो इसमें दो कोई अणु है तो इसमें दो परमाणु होंगे ए और ए प्लस, ऐसे बी टू के मैं लिख देता हूँ बी और बी। अगर ये टकराए तो देखिए इस प्रकार से अगर इनकी आकृति में इसी इन आकृतियों में टकराएंगे तो देखिए क्या होगा, ए ए और ये बी बी तो टकरे हो रहे हैं। एक बार अगर मान लीजिए ये इस प्रकार से हो, इस वाली अपने संरचना में या इस आकृति में टकराएं, अगर ये ए ऐसे बी बी ऐसे, तो इनका जब टकराव होगा इन अभिकारी अणुओं की जब टक्कर होंगी तो इस प्रकार से होंगी। तो अब आप बताइए कौन सी वाली टक्करें प्रभावी होंगी। भाई आप देखो ना, यहाँ तो ये वाला ए और बी टकरा रहा है, ये वाला ए और बी तो कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा, ये तो आपस में टच भी नहीं कर रहे हैं दूसरे को, तो इनकी तो टक्करें हो ही नहीं पा रही। माने कम अभिकारी अणु आपस में इस प्रकार की आकृति में टकराएंगे, जबकि अगर ये इस प्रकार से टकराए तो देखिए ए बी यहाँ भी टकरा रहा है, ए बी यहाँ भी टकरा रहा है, तो ज्यादा अभिकारी अणुओं के परमाणु आपस में टक्करें कर पा रहे हैं, तो ये तो हो गई अप्रभावी टक्करें। जबकि अगर हम यहां देखें तो ये कौन से टक्करें हो रही हैं, प्रभावी टक्करें हो रही हैं। तो यहां इस प्रकार के टक्करों से उत्पाद का निर्माण हो रहा होगा, इस प्रकार के टक्करों से इनसे तो हो रहा है लेकिन ये तो टकरा ही नहीं पा रहे हैं, तो उत्पाद का निर्माण नहीं हो पा रहा होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रभावी संघट के लिए जो महत्वपूर्ण दूसरी दशा है वो क्या है, अभिकारी अणुओं की आकृति। आकृति से मतलब देखिए इसकी जगह हम वर्ड लगा सकते हैं इंग्लिश में होता है ओरिएंटेशन, माने वो किस प्रकार से किन एक्सेस पर या किन तरीके से मतलब ज्यादा से ज्यादा अभिकारी अणु आपस में टकरा पाए, तो आकृति से मेरा मतलब इस बात से। तो आपको इन रिएक्शन के माध्यम से समझ में आ रहा होगा कि ऐसी इन दशाओं में माने ये ऐसी स्थिति में टकराएंगे तो अप्रभावी टक्कर है, और अगर इस प्रकार से वो इस प्रकार की आकृतियों को बनाते हुए टकराएंगे तो वो प्रभावी टक्कर है। तो ये दोनों ही पॉइंट दहली ऊर्जा और अभिकारी अणुओं की आकृति प्रभावी संगठन की प्रभावी संगठन के लिए या प्रभावी टक्करों के लिए उत्तरदायी होती है। तो पूरे संगठन सिद्धांत को आप यहाँ तक कंप्लीट होता है, तो यदि आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो देखो बच्चे केवल इतना लिख पाते हैं कि अभिकारी अणु टकराए और उत्पाद बनाए तो प्रभावी टक्कर है, अभिकारी अणु टकराए और उत्पाद ना बनाए तो अप्रभावी टक्कर है, यह संगठन सिद्धांत होता है। तो आप उससे आपको कंप्लीट मार्क्स नहीं मिल पाते कई बार, तो आपने पूरी स्थिति इस प्रकार से लिखा। गुणांक और संगठन सिद्धांत पढ़ने के बाद ऐसा ही एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी इसको बोलते हैं, जो कि अभी दहली ऊर्जा में मैं इसका जिक्र भी कर रहा था। इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो एक्टिवेशन वर्ड हम बहुत अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, एक्टिव एक्टिव करना, एक्टिव करने के लिए बहुत सारे मोटिवेटर आपको मोटिवेट करने में लगे पड़े हैं, आप एक्टिव हो जा रहे हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी उसी को कह रहे हैं। मतलब ये समझिए कि अभिकारी अणुओं के पास दहली ऊर्जा से कम ऊर्जा यदि है तो वो टकराएंगे, लेकिन टकराने के बाद उत्पाद का निर्माण नहीं कर पाएंगे, अर्थात अप्रभावी टक्करें हो रही होंगी। लेकिन कुछ आपने अलग से एनर्जी उन अभिकारी अणुओं को दी और उन अभिकारी अणुओं की ऊर्जा अब दहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक हो गई, तो अब जो टक्करें होंगी उनसे उत्पाद बनेगा और ये प्रभावी टक्करें होंगी, और वो जो एनर्जी आपने जो ऊर्जा आपने अलग से बाहर से दी है दहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा पहुंचाने के लिए अभिकारी अणुओं की, उस ऊर्जा को हम बोलेंगे सक्रियण ऊर्जा, और इसको प्रदर्शित करते हैं ई ए से, एक्टिवेशन। में इसको फिर से आपको एक बार एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ए टू प्लस बी टू और उत्पाद बन रहा है 2AB। इस A2 और B2 के पास मिलाकर जो ऊर्जा हो रही है वो सपोज कीजिए 20 जूल ऊर्जा इनके पास हो रही है, लेकिन 20 जूल इसकी इन अभिकारी अणुओं की प्रभावी टक्करों के लिए जो दहली ऊर्जा चाहिए वो 25 जूल चाहिए, ऐसा मान लीजिए। तो 25 जूल पर यदि ये टकराएं तभी उत्पाद बनेगा, इस दहली ऊर्जा का मतलब यही तो होगा, लेकिन इनके पास हो रही है 20 जूल, तो टकरा तो रहे होंगे लेकिन उत्पाद नहीं बन रहा होगा, अर्थात प्रभावी टक्करें हो रही होंगी। तो आपने इसको बाह्य स्रोत से 5 जूल ऊर्जा दे दी या 6 जूल ऊर्जा दे दी, तो जब आप इसको ऊर्जा देंगे तो इसकी ऊर्जा कितनी हो जा रही है उस समय 6 जूल, माने आपने इसको 6 जूल ऊर्जा और दे दी जैसे टेम्परेचर बढ़ाकर इस प्रकार से, तो 26 जूल। अब जो ये अभिकारी अणु टकराएंगे तो उत्पाद का निर्माण कर लेंगे, तो फिर जो ये आपने बाहर से ऊर्जा दी है चलिए इसको 5 जूल मान के कर लेते हैं, 25 जूल ही हो जाए कि दहली ऊर्जा पर भी ये प्रभावी टक्कर ही करेंगे। तो ये जो आपने उसको 5 जूल ऊर्जा दी है ये इसकी क्या कहलाएगी, सक्रिय ऊर्जा। अगर आप इससे ज्यादा दे रहे हैं जो कि मैंने पहले ही 6 लिख दिया था तो 26 हो जाएगी, तब क्या कहलाएगी ये 6 जूल भी, तब क्या कहलाएगी इसके लिए सक्रिय ऊर्जा, अर्थात अभिकारी अणुओं को दहली ऊर्जा तक
पहुंचाने के लिए जो बाहर से अतिरिक्त स्रोत से ऊर्जा दी जाती है उसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। और यदि उनके पास पहले से ही देरी ऊर्जा के बराबर या अधिक ऊर्जा है तब उनको हमें सक्रियण ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं। इसको अगर हम कॉमन एग्जाम्पल से समझे तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, वो थोड़ा सा ऐसा फील कर रहे हैं कि भाई ये या तो टॉपिक टफ है या किसी अन्य कारणों की वजह से मन नहीं लग रहा है, या वो ऐसा हो गए हैं कि वो निराश जैसे हो गए हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मोटिवेट स्पीकर हैं, उनकी वीडियो देख लेते हैं, सुन लेते हैं, टीचर उनको कुछ ऐसा बता देते हैं और फिर उन बच्चों का फिर से एक बार पढ़ने का मन बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चे जब निराशा थी उनके अंदर, उनका पढ़ने का मन नहीं कर रहा था तो उनके पास ऊर्जा नहीं थी, तब भी ऊर्जा थी, पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा था कि उनका मन ज्यादा पढ़ने का कर रहा हो। तो किसी टीचर ने उनको ऐसा कुछ बताया जिससे कि वो उनका मन फिर से पढ़ने में लग गया, तो वो जो टीचर ने उनको जो अलग से बताया, जो उनको अलग से ऊर्जा दी है, तो वही सक्रिय ऊर्जा उन बच्चों की लिए कहलाएगी, अर्थात वो बच्चे अब जो है एक्टिव हो गए, अर्थात वो एक्टिवेशन एनर्जी को प्राप्त कर गए। तो एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करते हैं, ये एक समीकरण है, आर्नियस समीकरण। देखिए आर्नियस एक साइंटिस्ट हैं, 1889 में इन्होंने एक महत्वपूर्ण समीकरण दी, प्रायोगिक समीकरण दी, माने अपने बहुत सारे प्रयोगों के माध्यम से इन्होंने अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की ताप पर कैसे निर्भरता होती है उसका संख्यात्मक एक समीकरण दिया। देखिए आप ये सब जानते हैं कि अभिक्रिया का ताप यदि हम बढ़ाएं तो अभिक्रिया की दर बढ़ती है, माने अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बढ़ता है। मैंने आपको वेग स्थिरांक के जब लक्षण पढ़ाए थे अभिलक्षण, तब उस समय बताई थी बात कि ताप बढ़ने पर वेग स्थिरांक बढ़ता है, लेकिन कितना ताप बढ़ने पर कितना वेग स्थिरांक का मान हो जाता है, इस बात का प्रायोगिक संख्यात्मक रूप से जो आकलन किया था और एक समीकरण के रूप में इस निर्भरता को बताया था, वो साइंटिस्ट हैं आर्नियस, और उनकी समीकरण को बोलते हैं हम आर्नियस समीकरण। देखिए आर्नियस ने जो समीकरण दी वो इस प्रकार से है, के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो ये के है वो वेग स्थिरांक है, ई ए सक्रिय ऊर्जा है, आर गैस नेतांक है, टी ताप है वो भी केल्विन में, और फिर ये ई क्या है, ई लॉगरिथम का बेस है, ई माने लघुगणक फंक्शन है, और ए कहलाता है आर्नियस नियतांक या इसको कहते हैं आवृत्ति कारक। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं, यहां के वेग स्थिरांक है अभिक्रिया का, ई ए हो गया है सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस नियतांक है और इसकी वैल्यू आपको पता है 8.314 आप यूज करेंगे, और टी ताप है इसको आप केल्विन में यूज करने वाले हैं, केल्विन में। ई लघुगुणक के जो फलन हमारा होता है उसका बेस है, आधार है। तो ये एक प्रायोगिक समीकरण आर्नियस ने दिया था वेग स्थिरांक किस प्रकार से ताप पर निर्भर करता है ये बताने के लिए। तो इस समीकरण में ये सब जो भौतिक राशि है यूज होती है, इस समीकरण की सहायता से इसको माने इस समीकरण को ही अलग अलग रूपों में लिखा गया और इसे इस प्रकार से बनाया गया कि जिससे हम आंकिक प्रश्न हल करते हैं। तो ऐसे बोर्ड एग्जाम में भी इस फॉर्मूले से जो दूसरे रूप आएंगे उनके आधार पर आंकिक प्रश्न आते हैं। तो देखिए आपको ये समझ में आया होगा, इसी को हम आगे पढ़ रहे हैं कि इसको किन किन तरीकों से और व्यक्त किया जा सकता है आर्नियस समीकरण। तो इसको सोल्व करने के लिए हम दोनों ओर जो है लॉगरिथम ले लेते हैं, दोनों ओर लॉग ई बेस लेने पर तो क्या हो जाएगा, ये लॉग ई बेस के लॉग ई बेस ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर डी। मैंने ए को क्या बताया था, आर्नियस नियतांक, आर्नियस के नाम से आर्नियस नियतांक या आवृत्ति कारक लिख देता हूं। ए क्या है, इसको हम आवृत्ति कारक भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या इसको बोलते हैं आर्नियस नियतांक। तो इसको अब आप सोल्व करेंगे, तो देखिए इधर लोग ई बेस के, तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो पद गुणा में लिखे हैं तो उनको आप अलग अलग प्लस में लिख सकते हैं। तो लोग ई बेस ए प्लस लोग ई बेस ई की पावर कितना है, माइनस ई अपॉन आर डी। इसके बाद
फिर लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी और होती है कि जो घात होती है, जो पावर होती है, वो सामने आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा सीधे सीधे, यहाँ माइनस ये लिख लेता हूँ, देखो ए अपॉन आर टी, और ये हो गया लॉग ई बेस ई। तो जो बेस और जिसकी वैल्यू उसके सामने होती है, अगर वो सेम हो तो वैल्यू कितना हो जाती है पूरे पद की उसकी, एक। तो इसकी जगह हो गया एक। तो ये फाइनली आपकी जो समीकरण आएगी वो आएगी लॉग ई बेस ए, लॉग ई बेस ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो आर एन एस समीकरण का एक रूप ये भी है। यदि हम इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करना चाहें तो हमने लॉग ई बेस को क्या लिखना पड़ेगा, लॉग टेन बेस, तभी तो हम लॉग टेबल का यूज कर पाएंगे। तो मैं आपको इसे देखिए लॉग ई बेस को लॉग टेन बेस से रिप्लेस करता हूं, तो क्या वैल्यू होती है, लॉग ई बेस इक्वल होता है 2.303 लॉग टेन बेस। यदि हम यहां रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग टेन बेस 2.303 लॉग टेन बेस ए, हमने इस लॉग ई बेस की जगह वैल्यू लिखी, और ये इधर चल रहा है माइनस ई अपॉन आर टी। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2.303 से पूरा इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा के लॉग टेन बेस के, इसे डिवाइड करेंगे तो ये लॉग टेन बेस के, इसको भी डिवाइड किया इसी से तो लॉग टेन बेस ए, और ये हो जाएगा माइनस ई अपॉन, यहाँ आ जाएगा 2.303 आर टी। ये कह लें कि हमने इससे इधर को इसको शिफ्ट किया है तो ये कट हो गया और इसके अपॉन में ये आ गया। तो एक इक्वेशन माने एक फॉर्म आरएनएस समीकरण का एक रूप ये भी है। इससे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सोल्व करने वाले हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, और उसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इसी को अगर हम और रूपों में लिखना चाहें तो हम इनको दो अलग अलग कंडीशन में लिख सकते हैं। हम ऐसा मान सकते हैं, मान लीजिए जो ताप है वो टी वन है, उस स्थिति में वेग स्थिरांक के वन है, और यदि मैं ताप टी टू कर दूं तो वेग स्थिरांक कितना हो जाता है, के टू हो जाता है। तब हम देखते हैं इसे दो स्थितियों में कैसे इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है। तो मैं लिख रहा हूं, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए टी वन ताप पर वेग स्थिरांक के वन वे टी टू ताप पर वेग स्थिरांक के टू है, तब लॉग टेन बेस के वन इक्वल होगा लॉग टेन बेस ए, तो ए तो ए रहेगा क्योंकि वो नेतांग है, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी वन। आर भी आर ही रहेगा क्योंकि जो गैस नेतांक है वो नेतांक सेम रहेगा और सेकंड ऊर्जा भी वही है। ऐसे ही अगर हम दूसरी कंडीशन में लिखें तो वेग स्थिरांक के टू हो जाता है, ये फिर वही, और ये हो जाएगा 2.303 आर टी टू। ये समीकरण नंबर एक और ये समीकरण नंबर दो। समीकरण दो से आप समीकरण एक को माइनस कर लें, तब ये हो जाएगा लॉग टेन बेस के टू माइनस लॉग टेन बेस के वन। इससे इसको माइनस कर रहे हैं, जब आप इससे इसको माइनस कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और फिर इसके माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस ही रहेगा, और ये वाला पद कैसा हो जाएगा, प्लस। तो माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू, ये प्लस हो जाएगा ई ए अपॉन 2.303 आर टी वन। इसको सही से लिखें फिर से लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से, ये माइनस में है तो उसको अपॉन में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग टेन बेस के टू अपॉन के वन। यहाँ से देखिए ए अपॉन 2.303 आर कॉमन है, ये पद प्लस का है तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, इसको बाद में लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा ए अपॉन 2.303 आर कॉमन, और ये हो जाएगा 1 अपॉन टी वन माइनस 1 अपॉन टी टू। तो एक रूप ये भी इस आरएनएस समीकरण का है। इससे भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में बहुत सी जो आंकिक प्रश्न है हम सोल्व करने वाले हैं, और बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये रासायनिक बल गतिकी का है। तो ये भी आरएनएस समीकरण है, ये भी आरएनएस समीकरण है, इससे पहले जो मैंने लिखा था वो भी आरएनएस समीकरण है। संकीर्ण ऊर्जा का जो फॉर्मूला हम लाए हैं आरएनएस समीकरण की सहायता से, उसके आधार पर एक हम आंकिक प्रश्न कर लेते हैं।
किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए ताप 600 केल्विन में 700 केल्विन पर वेग स्थान क्रम से इतना और इतना है, तब सघन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो टेम्परेचर दिए हैं, उन दोनों टेम्परेचर पर आपको दो वेग स्थान दिए हैं और सघन ऊर्जा पूछा है। तो क्वेश्चन करने का तरीका, सबसे पहले हम जो आपको वैल्यू दी है उसको नोट कर लेते हैं। तो पहला टेम्परेचर है 600 केल्विन, दूसरा टेम्परेचर है 700 केल्विन। इस 600 केल्विन पर जो वेग स्थिरांक है उसका मान है 1.6×10⁻⁵ सेकंड इनवर्स, और दूसरा वेग स्थिरांक है 6.36×10⁻³ सेकंड इनवर्स। तब आपको ईए सकरण ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो आप देखिए इसमें आपको गैस नेतांक की जरूरत पड़ती है, तो आर की वैल्यू फिक्स होती है, ये आपको याद होना ही चाहिए। जूल केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स इसका यूनिट होती है, मात्रक होता है। तो आरडीएस समीकरण का हम कौन सा रूप लिखने वाले हैं? आरडीएस समीकरण से जो हमने अभी दो कंडीशन माने दो टेम्परेचर पर अभी हमने उस रूप को, उस आरडीएस समीकरण को प्राप्त किया था, तो क्या है वो? लॉग टेन बेस K2/K1 E/2.303R(1/T1 − 1/T2). इसमें आप देखें तो K2 की वैल्यू कितना है? 6.36×10⁻³, और K1 है 1.6×10⁻⁵। ये आपको कैलकुलेट करना है, 2.303 R की वैल्यू है 8.314, 1/T1 है 600 और 1/T2 है 700। अब इसके बाद देखिए सारी वैल्यू बताएं, पहले हम घात को सरल कर लेंगे, फिर दशमलव से लॉग टेबल, ये सब मैंने कैलकुलेशन आपको पिछले न्यूमेरिकल्स में बताई हैं, तो यहाँ से ईए की वैल्यू आ सकती है। अगर किसी को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है, कैलकुलेशन प्रॉब्लम तो मैं बताऊंगा। वैसे आप 12th स्टैंडर्ड में हैं तो इतना तो कम से कम आपको आना ही चाहिए कैलकुलेशन करना, तो यहाँ से ईए याद किया जा सकता है। तो ये सकरण ऊर्जा पर इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकते हैं, और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि उसमें मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व कराने की बात होगी। तो इसका हम अभी एक ही क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन एक्सरसाइज में कर लेंगे। सकरण ऊर्जा का वो आंकिक प्रश्न करने के बाद बात करते हैं और एक नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है अभिक्रिया की आणविकता। यह टॉपिक आपने जो है छोटी क्लास में भी पढ़ा होता है। देखिए अभिक्रिया की आणविकता का मतलब होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सारे अभिकारी अणुओं की संख्या। तो आप इसे एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए कोई अभिक्रिया N2+3S2 Aryl2NH3 मीन्स अमोनिया का उत्पादन हेवर विधि से हो रहा है, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया हो रही है। तो इसमें इस अभिक्रिया में आप देखेंगे तो इस रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अभिकारी अणु भाग ले रहे हैं उन सबकी संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो कितने अभिकारी अणु भाग ले रहे हैं? देखिए एक अणु ये है नाइट्रोजन का, तो आणविकता क्या होगी? एक अणु ये है और तीन हाइड्रोजन के अणु है, तो ये आ रहा है 4। तो इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी? 4। अगर हम ऐसी ही एक अभिक्रिया और ले लें S2+I2 Aryl2HI, तो आप इसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन का एक अणु है और आयोडीन का एक अणु है। कई बार बच्चे कंफ्यूजन क्या करते हैं कि वो इसको दो मान लेते हैं, ये हाइड्रोजन का एक अणु, अणु रूप में हाइड्रोजन कैसे लिखा जाता है? H2। ये दो तो उसके परमाणु बने जाएंगे ना, और मैं क्या कह रहा हूँ आणविकता है, माने किसी रासायनिक अभिक्रिया में कुल अभिकारी अणु जितने भाग लेते हैं उन अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। तो हाइड्रोजन का एक अणु है तो सामने जो नंबर लिखा होगा वो अणु की संख्या को बताएगा, I2 का कितना अणु है? 1। तो इसलिए इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी? 1+1=2। और ऐसी एक रिएक्शन की बात करें 2NO+O2 Aryl2NO2, तब इसकी आणविकता की बात करें तो इसमें दो अणु NO के हैं और ऑक्सीजन का भी एक अणु, तो ये कितने हो जाएंगे? 3। तो इसी प्रकार से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की आप आणविकता ज्ञात कर सकते हैं। अभिक्रिया की आणविकता की अगर हम तुलना अभिक्रिया की कोटि से करें तो अभिक्रिया की कोटि में भी अभिकारी पदार्थों से ही मतलब होता है, लेकिन कोटि में क्या होता है? ऐसे अभिकारी पदार्थों की सांद्रता की घातों का योग होता है कोटि, जिनकी सांद्रताएं अभिक्रिया के वेग को निर्धारित कर रही होती हैं। लेकिन यहां पर आणविकता में क्या होता है? हम सारे के सारे अभिकारी अणुओं को जोड़ लेते हैं, जो अभिकारी अणु उस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, उन सबको हम कहते हैं अभिक्रिया की आणविकता।
आर्थिकता का तुलना अगर हम कोटि से कर रहे हैं तो हम इसे अंतर के रूप में पढ़ लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा अभिक्रिया की आणविकता में कोटि में अंतर। अभिक्रिया की आणविकता में कोटि में अंतर की बात करें तो आणविकता में पहला पॉइंट या कोटि आणविकता में कोटि में अंतर का पहला पॉइंट इन दोनों की परिभाषा हो सकता है। तो आणविकता तो होती है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सारे अभिकारियों की संख्या, अभिक्रिया में भाग लेने वाले सारे अभिकारी अणुओं की संख्या को हम क्या बोलने लगते हैं, आणविकता कहते हैं। अगर बात कोटि की करें तो ऐसे अभिकारी अणुओं की सांद्रताएं जिनकी मात्रा या जिनकी सांद्रता अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है, ऐसे अभिकारी जिनकी सांद्रताएं अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है। मतलब वेग समीकरण में जो अभिकारी पदार्थों की सांद्रताओं की घाते होती हैं उनकी योग को हम बोलते हैं कोटि। दूसरा अंतर यह है कि जो अभिक्रिया की आणविकता का मान है वो कभी भी शून्य नहीं होता, क्योंकि कोई ना कोई तो अभिकारी अणु अभिक्रिया में भाग लेगा ही। यह है इसका मान कभी भी शून्य नहीं होता। जबकि अगर हम कोटि की बात करें तो किसी अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है और हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ी भी है। इसका मान शून्य हो सकता है, इसके बाद हम तीसरा अंतर यह कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया की आणविकता होती है वो कभी भिन्नात्मक नहीं होती, अर्थात पूर्णांक संख्या होती है। क्योंकि आप रासायनिक संयोग के जब नियम पढ़ते हैं तो उसमें यह कहा जाता है कि जब आप रासायनिक समीकरण को संतुलित कर रहे होते हैं तो जो गुणांक होते हैं तत्वों के वो हमेशा पूर्णांक के रूप में होते हैं। इसका मान सदैव पूर्णांक होता है, माने भिन्नात्मक नहीं होता। जबकि कोटि पूर्णांक तो होती होती है, साथ में भिन्नात्मक भी होती है, हमने भिन्नात्मक कोटि के अभिक्रिया में पढ़ा था। इसका मान पूर्णांक के साथ पूर्णांक या भिन्नात्मक भी होता है। चौथा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि आणविकता जो होती है, अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो सैद्धांतिक है। कि माने कोई रासायनिक अभिक्रिया आपने संतुलित लिखी देखी और उसमें जितने अभिकारी अणुओं की संख्या है उसको टोटल काउंट किया तो वो आणविकता हो जाएगी, माने इसका मान सैद्धांतिक है, लैब में जाने की कोई जरूरत नहीं है। और जबकि कोटि कैसे आती है, ये प्रायोगिक है। मैंने आपको कहा भी था कि आप किसी अभिक्रिया की कोटि को अभिक्रिया देखकर नहीं बता सकते, पहले आप उसको प्रयोग में प्रयोगशाला में जाएंगे और उसके विभिन्न विभिन्न प्रकार से उसकी सांद्रताएं किस प्रकार से अभिक्रिया के वेग को डिसाइड कर रहे हैं वो आंकड़े लेंगे, उन आंकड़ों की सहायता से ज्ञात की जाएगी, जो कि हमारे एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल है, कुछ बहुत सारे आंकड़े हमें दिए होते हैं और अभिक्रिया की कोटि ज्ञात की जा सकती है। तो इसका मान प्रायोगिक होता है। तो ये अभिक्रिया की आणविकता पर कोटि में अंतर है जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप
सही से बिल्कुल तैयार करें। तो ये जो इनके अंतर हैं बहुत सामान्य सी बातें हैं, ये हमने आणविकता और कोटि में अलग अलग परिभाषा के रूप में जब पढ़ा है तो वही मैंने अंतर लिख दिए। तो देखिए एक नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, आभासी एकाणु अभिक्रियाएं जिन्हें हम छद्म कोटि की अभिक्रियाएं भी कहते हैं। आभासी एकाणु से मतलब चल रहा है कि आभास होता हो कि एक अणु है, छद्म माने आभास, छद्म माने कि यहाँ पर कोई चीज है और वहां है नहीं, उस वर्ड को तो हम छद्म कहते हैं। तो जैसे आप एग्जांपल से समझिए इसे, मैं किसी एस्टर के जल घटन की अभिक्रिया लिख रहा हूं, ये एथिल एसिटेट है। जो हम कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे तब मैं आपको बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा इन सबको याद करना और रिएक्शन कैसे होती है। तो आप देखेंगे अभी तो फिलहाल आप रिएक्शन ऐसे लिख लीजिए, CH3CO2H + C2H5OH। तो एथिल एसिटेट एस्टर का हम जल घटन करा रहे हैं, एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल इसमें बन रहा है। तो अगर मैं इसकी आणविकता की बात करूं, इस अभिक्रिया की आणविकता की अगर हम बात करें तो एक अणु ये है और एक अणु H2O का है, माने इसकी आणविकता है 2। और अगर हम इसकी कोटि की बात करें तो कोटि H2O की सांता की घातों पर डिपेंड नहीं करती, केवल इसकी सांता की घात पर डिपेंड करती है और एक घात पर, तो इसकी कोटि होती है 1। तो ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनकी आणविकता तो 1 से अधिक होती है लेकिन कोटि 1 होती है, तो उनको आभासी एकाणु का अभिक्रिया कहते हैं या छद्म कोटि के अभिक्रिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको दिखने से तो ऐसा लग रहा है कि इसकी कोटि 2 होनी चाहिए लेकिन इसकी कोटि तो 1 ही है लेकिन आणविकता वास्तव में 2 है। तो हमें आभास सा होता है कि कोटि 2 होगी लेकिन कोटि है कितनी 1, जबकि आणविकता 1 से ज्यादा है। तो इसलिए हम ऐसी अभिक्रियाओं को छद्म कोटि की अभिक्रिया या आभासी एकाणु का अभिक्रिया कहते हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। तो देखिए इस लेक्चर तक मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है रासायनिक वलगति की चैप्टर समाप्त करने का। तो ये रासायनिक वलगति की चैप्टर में जितना भी चैप्टर के अंदर थ्योरेटिकल टॉपिक थे या कोई व्यंजक थे या कुछ उन व्यंजक पर आधारित आंकिक प्रश्न थे वो मैंने अब तक के लेक्चर में आपको सब करा दिए हैं। जब हम इसी रासायनिक वलगति की का नेक्स्ट लेक्चर आएगा तब हम इस NCERT एक्सरसाइज की जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करेंगे, जो NCERT एक्सरसाइज हमें बाद में दे रखी है और जो NCERT चैप्टर में इस चैप्टर में जो अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको भी सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हम उसमें एक्सरसाइज के सारे आंकड़े प्रश्नों को करने वाले हैं। तब तक आप अब तक जितने लेक्चर मैंने रासायनिक वलगति के अपलोड किए हुए हैं उनको आप रिवाइज कर लें, क्योंकि एक्सरसाइज में आप भी अपने आप को जांचने की कोशिश कीजिएगा कि आप खुद से क्या वो क्वेश्चन कर पाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।